मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बेघर लोगों को आवास दिलाने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को वन समितियों के सम्मेलन में बड़ी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में जिन गरीब भाई बहनों के पास रहने की जमीन नहीं है, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के अंतर्गत उनको रहने की जमीन का पट्टा देकर जमीन का मालिक बनाया जाएगा तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए जाएंगे। इंदौर में मंगलवार को एक दुल्हन की दहलीज पर आकर बारात लौट गई। दुल्हन के आशिक ने सारी हदें पार करते हुए पूर्व में खींची गई तस्वीरों को बारातियों और दूल्हे के नंबर पर भेज दिया था। वायरल हुई तस्वीरों के बाद बारात बिना दुल्हन लिए ही लौट गई थी। वहीं अब इस मामले में पुलिस ने सिरफिरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के देवास में जिला अस्पताल में 3 दिन की नवजात बच्ची के चोरी होने का मामला सामने आया है। बच्ची के लापता होने के बाद परिजनों और रिश्तेदारों ने इकट्ठा होकर जमकर हंगामा किया। चोरी गई बच्ची शाजापुर निवासी टीना विशाल वर्मा की है। मामले में कार्रवाई न होने पर शुक्रवार सुबह भाजपा नेता रुपेश वर्मा ने अस्पताल परिसर के मुख्य गेट पर अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल पूर्व पार्षद रुपेश वर्मा को पकड़ा। इंदौर में बीते साल क्राइम ब्रांच ने जिस फर्जी कॉल सेंटर को पकड़ा, उसकी जांच करते हुए एफबीआई की टीम इंदौर पहुंच गई। अमेरिका की सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी एफबीआई ठग के विरुद्ध सबूत और उन अमेरिकी नागरिकों के कथन भी लेकर आई है जिनके साथ ठगी हुई। जांच पूरी होने के बाद पीड़ित अमेरिकी नागरिकों की ऑनलाइन गवाही भी करवाई जाएगी। भीषण गर्मी के बीच लोगों की प्यास बुझाने के लिए अशोकनगर नगर पालिका ने शहर के कई स्थानों पर प्याऊ का शुभारंभ किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक जजपाल सिंह जोशी और नगर पालिका सीएमओ प्रियंका सिंह ने स्थानीय गांधी पार्क पर फीता काट कर प्याऊ का शुभारंभ किया। और इससे पहले विधायक जजपाल सिंह जोशी ने गोग्रास वाहन को हरी झंडी दिखाकर शहर में रवाना किया।